दोस्तों, आपके पास कई बार ऐसे कॉल भी आए होंगे जिनके बारे में आप जानते तक नहीं हो, यानी कि फेक कॉल। और ऐसे कॉल आपको कई बार परेशान भी करते हैं। अपना गलत नाम बता, गलत एड्रेस बताकर आपको कई बार परेशान भी किया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं, उनकी कॉल आईडी निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपना आपके लिए अपना प्ले स्टोर खोलना होगा और यहाँ पे सर्च बॉक्स जो दिख रहा है ऊपर आपके लिए, यहाँ पर लिख देना होगा ट्रू कॉलर। मैंने पहले ही सर्च मार रखा है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब देखिए, इस तरह का एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें एक और मिल जाता है ऑप्शन सर्च का, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, जो भी नंबर हमें चाहिए, जो भी हमें नंबर सर्च करना है, वो यहाँ पर सिंपल डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ अभी अपने एक फ्रेंड का नंबर है जो कि पंजाब से हैं। उनका नंबर है 9915। अब देखिए, उनका नंबर मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप कर दिया है और सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। यहाँ पे देखिए आ गया चरण लिखा हुआ। तो ये देखिए नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है वो एयरटेल का है और ये है पंजाब से, इंडिया में, पंजाब इंडिया से। तो चलिए एक बार मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर डाल के दिखाता हूँ आपके लिए। चलिए मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ अभी 94। तो ये नंबर जो है वो है प्रिंस का और इनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। ये इनका मोबाइल नंबर जो है वो BSNL का है और ये उत्तर प्रदेश इंडिया से हैं और इनका जो ईमेल आईडी है वो bijendersinghib@gov@gmail.com। तो देखा दोस्तों आपने, बिल्कुल सिंपल है। चलिए यहाँ पर मैं एक बार बैक होता हूँ और एक अनजान नंबर डाल के देखता हूँ क्या उसके बारे में दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं डाल के देखता हूँ 8954। ये जो नंबर है वो है वोडाफोन का, मोबाइल जो है वो वोडाफोन का है और ये उत्तर प्रदेश बेस्ट इंडिया से हैं। तो इनका नाम जो है वो है पप्पू, पापू लिखा हुआ है यहाँ पे, पाप। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। दोस्तों, ट्रू कॉलर का कहना है कि 250 मिलियन से ज़्यादा नंबरों के बारे में वो जानकारी रखता है, उनकी कॉल डिटेल निकाल के आपको दे सकता है। लेकिन इसके पास जानकारी जो आती है वो आती है सोशल मीडिया से, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और व्हाट्सएप अकाउंट हो गया। तो ये यहाँ से जानकारी ला के कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर दिखा देता है। ऐसे में दोस्तों, बात ये भी बनती है कि किसी किसी के जो नंबर होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, वो फेक होते हैं। कई लोग अपनी फेक आईडी बनाकर अपना फेक फ़ोटो भी यूज करते हैं, तो ऐसे में जानकारी हमारे पास फिट नहीं बैठ सकती। और दूसरी बात दोस्तों, ये आपकी फ़ोन बुक को रीड भी कर सकता है, लेकिन ट्रू कॉलर का कहना है कि वो आपकी फ़ोन बुक को रीड नहीं करता है। लेकिन इसके पास जानकारी कहाँ से इतनी आती है, वो तो आपको सोचने वाली बात है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपके लिए पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक। मिलता हूँ एक और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।